आखिर एम्स गोरखपुर की ओपीडी में पेशेंट लोड कितना है, कब से कब तक ओपीडी चालू रहती है, किस दिन ओपीडी की छुट्टी रहती है, यहाँ कौन कौन से रोगों का इलाज होता है, क्या यहाँ ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी उपलब्ध है, इस वीडियो के अंत तक आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो अंत तक साथ बने रहिए। अगर हम थोड़ा समझें तो एम्स की ओपीडी तीन भागों में विभाजित है, राइट विंग, मिडिल विंग, लेफ्ट विंग। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओपीडी जाने के लिए आपको गेट नंबर 2 से प्रवेश करना होगा। अगर बात करें ओपीडी रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन की जाती है और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। सबसे पहले आपको ओपीडी कार्ड बनवाना होगा, जिसकी कुल राशि 30 रुपये है और जो कि 1 साल तक मान्य है। ओपीडी कार्ड की सहायता से आप 10 रुपये में किसी भी विभाग की पर्ची कटवा सकते हैं। ओपीडी गेट से प्रवेश करते ही आपको अपने लेफ्ट में पेशेंट रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखाई देता है, आपके ठीक सामने आता है हेल्प डेस्क या सहायता केंद्र और राइट तरफ आता है वेटिंग हॉल। इस तरफ राइट वाइज और इधर लेफ्ट विंग है। आइए राइट विंग में देखते हैं कौन से विभाग मौजूद है। यह विंग पल्मोनरी मेडिसिन से शुरू होती है, इसी के ठीक आगे आता है दंत रोग विभाग यानी डेंटल डिपार्टमेंट और सामने की तरफ हड्डी रोग विभाग या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। अगर ग्राउंड फ्लोर के लेफ्ट विंग की बात करें तो यहाँ 34 रूम नंबर है, जो कि कैश काउंटर है, जहाँ जो भी चार्ज करवानी होती है उसकी पर्ची कटती है। और उसके ठीक राइट में रूम नंबर 25 है, जहाँ पे सैंपल लिया जाता है। लेफ्ट से चलते हैं फर्स्ट। यहाँ भी ठीक पहले की तरह एक राइट विंग है और एक लेफ्ट विंग। तो लेफ्ट विंग में डिपार्टमेंट्स हैं महिला या गायनी विभाग, चर्म रोग या डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट और उसी के ठीक सामने आता है बाल रोग या पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। अगर हम मिडिल विंग की बात करें तो यहाँ आँखों का विभाग यानी ऑप्थाल्मोलॉजी डिपार्टमेंट और उसी के ठीक सामने टीका केंद्र यानी इम्यूनाइजेशन सेंटर देखने मिलता है। अगर हम मिडिल विंग में ही आगे बढ़ें तो यहाँ PMR फिजिकल मेडिकल रिहैबिलिटेशन विभाग देखने मिलता है। यहीं से हम आगे राइट विंग की ओर प्रवेश करते हैं, जहाँ हमें सर्जरी डिपार्टमेंट, मनोरोग विभाग यानी साइकियाट्री डिपार्टमेंट और कान नाक गला यानी ENT डिपार्टमेंट देखने मिलता है। अगर एम्स गोरखपुर ओपीडी की पेशेंट लोड की बात करें तो यहाँ रोजाना 2000 से 3000 मरीज आते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। लिफ्ट से निकलते ही मिडिल विंग में हमारे ठीक सामने है पैथोलॉजी लैब, मिडिल विंग में ही थोड़ा आगे बढ़कर बायोकेमिस्ट्री लैब और माइक्रोबायोलॉजी लैब है। माइक्रोबायोलॉजी लैब से हम आगे राइट विंग में प्रवेश करते हैं, जहां हमें मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन विभाग देखने मिलता है। ये दूसरी ओर लेफ्ट विंग में फ्लू क्लिनिक और RT-PCR सैंपल कलेक्शन सेंटर है। अगर हम बात करें एम्स गोरखपुर ओपीडी टाइमिंग्स की, तो यह सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली रहती है। वहीं शनिवार को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुली रहती है
और रविवार को यहाँ छुट्टी रहती है। अगर ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ रोजाना ऑपरेशन हो रहे हैं और यहाँ एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।